समांतर श्रेणी, पिछले पीरियड में हमने देखा था कि एक ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पदों में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। इस समांतर श्रेणी के nवें पद के सूत्र के बारे में भी हमने देखा था कि समांतर श्रेणी का nवां पद tn ये बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां a उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाता है, है ना। इस सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हमने पहले हल किए हैं, आज एक प्रश्न पे और चर्चा करते हैं, उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। और प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवां पद एक और 31वां पद ऋण 77 है तो श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं पहले प्रश्न को लिख देता हूं। यदि समांतर श्रेणी का पांचवां पद एक और 31वां पद ऋण 77 है तो श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो इसमें दो बातें ज्ञात हैं, समांतर श्रेणी का पांचवां पद एक और 31वां पद ऋण 77 है। प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले यहां से शुरू करेंगे कि एक बात मैं बता दूं, यदि समांतर श्रेणी के संबंध में उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद का प्रथम पद और सर्वांतर d का मान हमको अगर ज्ञात है तो फिर हम किसी भी पद का हम मान निकाल सकते हैं। इसलिए पहले अगर हम मान लें कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और सर्वांतर d है तो प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, श्रेणी का पांचवां पद बराबर एक दिया है, ये तो पांचवां पद बराबर एक। पहले हमको मालूम है कि श्रेणी का nवें पद का सूत्र होता है a धन n ऋण एक गुणित d a प्लस n माइनस वन इंटू टी, तो पांचवें पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n का मान अगर हम पांच रख दें तो 5 माइनस वन इंटू डी बराबर ये एक है ना, बराबर एक देखने में आता है। इसको अगर हम सरल करेंगे तो सरल करने पर हमको प्राप्त होगा a प्लस 5 माइनस 1 4 d इज इक्वल टू 1, ये एक समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रश्न को जब आगे पढ़ेंगे तो देखोगे
कि 31वां पद ऋण 77 है, इसी प्रकार 31वां पद बराबर दिया हुआ है ऋण 77 31वें पद के लिए हमको क्या व्यंजक प्राप्त होगा? अगर n बराबर 31 रखते हैं तो 31वां पद हो जाएगा a प्लस 31 ऋण 1 गुणित d, तो 31वां पद हमको मिलेगा a प्लस 31 ऋण 1 गुणित d। ये इस सूत्र से, ये बराबर ऋण 77। सरल करने पर हमको प्राप्त होगा a प्लस 31 ऋण 1 30 d बराबर ऋण 77। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। हल करने पर हमको साफ नजर आ रहा है कि जो समीकरण एक है ये a और d का एक समीकरण है, द्विचर वाला समीकरण है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 1। समीकरण दो जो प्राप्त किए हैं हम, वो a और d का द्विचर वाला समीकरण है, a प्लस 30d इज इक्वल टू माइनस 77। इन दोनों समीकरणों को लेकर हम a और d के मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब यदि समीकरण एक और दो को युगपत समीकरण जैसे हम हल करते हैं वैसा अगर हम हल कर लें, तो समीकरण एक व दो से पहला समीकरण है a प्लस 4d इज इक्वल टू 1, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है a प्लस 30d इज इक्वल टू माइनस 77। a प्लस 30d इज इक्वल टू माइनस 77, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इसको हल करके यदि हमको a और d के मान निकालने हैं तो ये देखोगे कि a वाले जो पद हैं वो समान हैं, इनके गुणांक भी बराबर हैं, इसलिए गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। ये a, ये भी प्लस a, इसलिए सीधे सीधे अगर हम समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दें, है ना, तो a से एक कट जाएगा, घटाने पर नीचे के समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस a है तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस 30d है तो माइनस 30d, माइनस 77 है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 77। अब अगर सरल करेंगे तो ये प्लस a से ये माइनस a कैंसिल हो जाएगा, d वाले व्यंजक पद से d वाला व्यंजक जुड़ेगा या घटेगा, ये प्लस 4d है, ये माइनस 30d हो चुका है, तो प्लस 4d माइनस 30d ये हो जाएगा माइनस 26d इज इक्वल टू, जो नियतांक वाली राशि है ये प्लस 1 और ये प्लस 77, तो 1 प्लस 77 ये हो जाएगा 78। कुल मिलाकर हमको प्राप्त हुआ माइनस 26d इज इक्वल टू 78। सरल करने पर यदि ऋण 26 का हम तिर्यक गुणा कर दें तो d बराबर हमको मिलेगा 78 अपान माइनस 26, और जब हम इसको काटेंगे तो ये तीन बार कटेगा, 26 दिया 78। कुल मिलाकर प्राप्त होगा d इज इक्वल टू माइनस 3। तो समांतर श्रेणी का सार्वांतर d बराबर हमको कितना मिल गया, ऋण 3।
अब एक दूसरा पद है प्रथम पद, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। डी का मान मिल चुका है, अब हम ए का मान निकालेंगे। तो साफ दिख रहा है क्योंकि ए इस युगपत समीकरण को हल कर रहे हैं, तो डी की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है। तो समीकरण एक या दो किसी में भी यदि हम डी का मान रख दें तो ए का मान हमको ज्ञात हो जाएगा, होगा। समीकरण एक से समीकरण एक था a प्लस 4d इज इक्वल टू 1, a प्लस 4d इज इक्वल टू 1, डी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं -3। यदि d के इस वैल्यू को हम इस समीकरण में रख दें तो प्राप्त होगा a को हमने a लिखा प्लस 4 को हमने 4 लिखा, d का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, d बराबर है -3। डी का मान अगर हम -3 रख दें तो ये बराबर 1। सरल करने पर मिलेगा a प्लस 4 इंटू -3, ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 1। ये -12 को पक्षांतर करके अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो a बराबर होगा 1, -12 दाहिने तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -12। कुल मिलाकर a बराबर कितना मिल गया, 1 - 12 बराबर 13। इस प्रकार से समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 13 और सर्वांतर d बराबर हमने प्राप्त किया -3। प्रश्न में हमको कहा गया था श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब हम 11वां पद निकालने की ओर बढ़ते हैं, है ना। यदि हमको समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d मालूम है तो nवें पद का सूत्र जब से हमको मालूम है, जैसा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, उससे हम उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमको इस प्रश्न में 11वां पद निकालने के लिए कहा गया है, अतः श्रेणी का 11वां पद इसका सूत्र हमको मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d से, a प्लस, क्योंकि हम 11वां पद ले रहे हैं इसलिए n की जगह कितना लिखेंगे 11, n माइनस 1 इंटू d, मतलब ये हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू d, 11 माइनस 1 इंटू d। सरल करने पर मिल जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 हो गया 10d। a और d दोनों के मान हमको ज्ञात हैं, इनके मान को अगर रख दें तो a का मान हम निकाले थे 13, a का मान रख देते हैं 13 धन d का मान हम निकाले थे -3, ये 10 गुणित -3। सरल कर देते हैं 13 धन 10 गुणित -3 -30, 13 -30 -17। इस प्रकार से दिए गए समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना होगा, -17। कुल मिलाकर अगर देखोगे तो इस प्रकार के सवालों में जब तुमको दो प्रकार का कंडीशन दिया होगा, किसी भी समांतर श्रेणी के दो पद दे दिए जाएंगे। इस प्रश्न में जैसे कौन सा पद दिया गया था, 5वां पद और 5वां पद और 31वां पद। मेरे कहने का ऐसा है कि दो पद दे दिए जाएंगे, उससे तुमको दो समीकरण मिलेगा। पहले आपको ये मान लेना है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a है और सर्वांतर d है, है ना, उस हिसाब से पहले हमको दो समीकरण प्राप्त करना है। किसके दो समीकरण मिलेंगे, a और d के। और a और d का जो युगपत समीकरण मिलेगा, तो इसके पहले वाले चैप्टर में तुम पढ़ चुके होगे कि युगपत समीकरण को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो a और d का जो युगपत समीकरण मिलेगा, उन युगपत समीकरण को हल करके हम a और d का मान निकाल लेंगे, और जब a और d निकल जाएगा तो समांतर श्रेणी का कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। अर्थात ये कहा जाए प्रश्न में जो बात चाही गई है उसका आंसर हम निकाल लेंगे, है ना। ऐसे ही
तो ये एन पदों के सूत्र का एक अनुप्रयोग होगा, एनवे पद के सूत्र का। चलिए इसके आगे बात करते हैं समांतर माध्य। यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, जैसे हम मान लें ए बी सी, ये कहा जाए कि ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, है ना, उसका आशय क्या होगा कि ए और बी जो होगा ये ए में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो रही है, या सी जो है उतनी संख्या को बी में उतनी संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। या दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि बी माइनस ए जो है वो बी और ए का जो अंतर है वो सी और बी के अंतर के बराबर, उसी को सार्वांतर कहते हैं। दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो सार्वांतर कहलाता है। यदि ए बी सी तीनों समांतर श्रेणी में है, उसको मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिख रहा हूं, इन ए पी, यहां ए पी से आशय है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला जो पद होगा बी, उसको ए और सी का समांतर माध्य कहा जाता है। बी को क्या बोलेंगे, समांतर माध्य। तो बी ए और सी का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, यदि हम इसी को हम दूसरे अर्थों में ले लें, मान लो कैपिटल ए जो है ए और सी का समांतर माध्य है। यदि ए स्मॉल ए व सी का समांतर माध्य है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला जो पद होगा बी वो ए और सी का समांतर माध्य कहलाता है। उसी स्टेटमेंट को मैं बदल दिया हूं, नीचे देखोगे ए, यदि ए और सी का समांतर माध्य है, ए और सी का समांतर माध्य क्या है, कैपिटल, तो हम ए कैपिटल ए और सी को क्या मान सकते हैं, समांतर श्रेणी में होंगे, इन ए पी होगा, क्योंकि ए कैसा है, समांतर माध्य। तो ए ए और सी कैसे हो जाएगा, समांतर माध्य में होंगे। अब चूंकि ये समांतर माध्य में है, इसका मतलब दूसरा पद ऋण पहला पद बराबर होगा तीसरा पद ऋण दूसरा पद। क्रमागत पदों का अंतर कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों कैसे हो गए हैं, समांतर श्रेणी में है। इसलिए हम लिख सकते हैं a माइनस ए बराबर होगा c माइनस ए, दूसरा पद ऋण पहला पद बराबर होगा तीसरा ऋण दूसरा पद। जरा और सरल कर दें तो इस माइनस ए को हम इस साइड ले आए, लेफ्ट साइड,
तो a माइनस ए इधर आएगा तो प्लस a बराबर माइनस a को हम राइट साइड ले आते हैं तो ये a प्लस c, a प्लस a ये हो जाएगा 2a बराबर a प्लस c, या फिर 2 को तिर्यक गुणा करके नीचे ले आते हैं तो a बराबर होगा a प्लस c बटा 2। ये एक रिजल्ट मिला है कि यदि a a और c का समांतर माध्य है तो a बराबर कितना होता है, a प्लस c बटा 2। ठीक है, तो ये दो पदों का, दो राशियों के समांतर माध्य का सूत्र होगा। अब जैसे मैं कह दूं कि 3 और 5 का समांतर माध्य क्या होगा, जैसे a और c का समांतर माध्य कितना हुआ, a धन c बटा 2, तो 3 और 5 का समांतर माध्य कितना होगा, 3 धन 5 बटा 2, 3 धन 5 8, 8 बटा 2 मतलब 4, तो 3 और 5 का समांतर माध्य हम सीधे निकाल सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जब दो राशियों का समांतर माध्य निकालना होता है तो अभी बात हो रही थी a और c का समांतर माध्य, कैपिटल A ये बराबर होता है a धन c बटा 2, है ना। इस पे एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न ये कहता है कि यदि वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें दो संख्याएं दी हुई हैं, वर्गमूल 2 धन 1 और दूसरी संख्या है वर्गमूल 2 ऋण 1, है ना। तो a की जगह हमको दिया है वर्गमूल 2 धन 1 और c की जगह दिया हुआ है वर्गमूल 2 ऋण 1। यदि दी गई संख्याओं का समांतर माध्य a है तो a बराबर कितना मिलेगा, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों के योग का औसत, वो समांतर माध्य होगा। तो ये हमको मिल जाएगा, a की जगह हम ले लेंगे वर्गमूल 2 धन 1, धन c की जगह ले लेंगे वर्गमूल 2 ऋण 1 पूरे का बटा 2। सरल करो तो समांतर माध्य a बराबर, यहां जैसे देखने में आ रहा है वर्गमूल 2 धन 1 धन वर्गमूल 2 ऋण 1, ये धन 1 है और ये ऋण 1 है, धन 1 और ऋण 1 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 बटा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 एकम 2
तो a बराबर कितना मिलेगा, वर्गमूल 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 2 धन 1 और वर्गमूल 2 ऋण 1 का समांतर माध्य कितना होगा, वर्गमूल 2 होगा। कुल मिलाकर मुख्य बात यह है कि जब दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य का निवेश करना होता है तो एक समांतर माध्य का मान होता है a प्लस सी बटा 2। ठीक है, जैसे अभी हमने इसमें दो संख्याओं का समांतर माध्य निकाला है। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा सा और हटा दें, ऐसा तो है नहीं कि दो संख्याओं के बीच एक ही समांतर माध्य निवेशित किया जा सकता है, है ना। जैसे मैं एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूं, ये एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है a, a1, a2, a3, a4, d, n, ap। ये एक समांतर श्रेणी में है। इसका सीधा सीधा आशय यह है कि इस समांतर श्रेणी में अगर तुम देखोगे तो कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पद हैं। प्रथम पद कौन सा है, स्मॉल a, अंतिम पद कौन सा है, स्मॉल b। तो इन दो प्रथम और अंतिम पदों के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, यदि वो सब समांतर श्रेणी में है तब, है ना, तो प्रथम और अंतिम पदों के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो a और b के बीच निवेशित किए गए समांतर माध्य कहलाते हैं। पिछली बात में हमने देखा था कि यदि a और b के बीच में एक ही समांतर, a और c के बीच में एक समांतर माध्य है तो उस एक समांतर माध्य का मान होता है a धन c बटा 2। अगर एक से अधिक भी समांतर माध्य हो सकते हैं, उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि यदि ये 6 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में हैं, तो a और b के बीच में कितने समांतर माध्य हो गए, 1, 2, 3, 4, a1 से लेकर a4 तक, है ना। अब अगर हमको प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया जाए, दो संख्याएं दे दी जाए और ये कहा जाए कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 समांतर माध्य निवेशित कीजिए। जब दो संख्याओं के बीच में 3 समांतर माध्य निवेशित करेंगे, है ना, तो कुल कितने पद हो जाएंगे, 5। दो संख्याएं हैं उनके बीच में 3 समांतर माध्य हम क्या कर दिए, निवेशित कर दिए, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, और वो पांचों के पांचों समांतर श्रेणी में होंगे या समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो समांतर श्रेणी, समांतर माध्य का जब हम निवेश करेंगे तो उसके लिए पहले कुछ बात पर चर्चा कर लें। दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य का निवेश कहने का अर्थ यह है कि यदि दो संख्याएं दी हुई हैं उनके बीच n समांतर माध्य निवेशित करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, है ना। मान लेते हैं कि दो संख्याओं के बीच n, दो संख्याएं हैं a और b। माना दो संख्या a और b के बीच n समांतर माध्य क्रमशः a1, a2, a3,
डेस 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 ए एन है, दो संख्याएं हैं ए और बी, इनके बीच एन समांतर माध्य कौन कौन से निवेशित किए गए हैं, ए वन से लेकर कहां तक ए एन तक, टोटल एन पद होगा, एन समांतर माध्य होंगे। अगर ये एन समांतर माध्य है और ए और बी के बीच हम उनको निवेशित कर रहे हैं तो बनने वाला समांतर श्रेणी क्या होगा, बनने वाले समांतर श्रेणी का पहला पद हो जाएगा ए, इसके बाद ये एन समांतर माध्य आएंगे ए वन ए टू ए थ्री डेस 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 ए एन, और लास्ट वाला अर्थात अंतिम पद कितना होगा बी। क्या किया हमने, ए और बी के बीच ये एन समांतर माध्य निवेशित कर दिए, है ना। और जब एन समांतर माध्य निवेशित करेंगे तो जो हमको जो श्रेणी प्राप्त होगी वो कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी, ये इन एपी, ये समांतर श्रेणी में होगा। अब इस समांतर श्रेणी को देखो, यहां प्रथम पद कितना है ए, पहला पद है ये ए, ठीक है, अंतिम पद कितना है बी, अंतिम पद कितना है बी, लास्ट वाला पद। तो अंतिम पद कौन से नंबर का पद होगा, ये पहला पद, इसके बीच में हम n माध्य स्थापित कर दिए, ठीक है, तो ये पहला पद और ये दो पद, फर्स्ट और लास्ट, और बीच में कितने पद स्थापित किए हैं n पद, तो कुल पद कितने हो गए n प्लस टू, कुल पद कितने होंगे n प्लस टू। जैसे अगर देखोगे इसमें, अगर देखोगे, अगर उसको छोटे रूप में देख लें, ये पहला पद ये तो अंतिम पद, इसके बीच में हम चार समांतर माध्य स्थापित किए, तो b कौन से नंबर का पद है, छठवें नंबर, है ना। तो चार समांतर माध्य स्थापित किए मतलब चार धन दो, लास्ट वाला पद कौन सा होगा, छठवां पद। अगर तीन समांतर माध्य करेंगे तो कितने पद होंगे, टोटल कितने पद होंगे, पांच पद होंगे। सात समांतर माध्य अगर दो संख्याओं के बीच में स्थापित करते हैं तो कुल कितने पद होंगे उसमें, नौ पद, फर्स्ट और लास्ट वाले, और उतने पद तो हम बीच में निवेशित किए हैं। ठीक वैसे ही ए और बी के बीच में अगर हम ये एन माध्य स्थापित किए हैं तो ऐसी स्थिति में कुल पद कितना होगा, एन प्लस टू, और लास्ट वाला पद जो बी होगा वो कौन से नंबर का पद होगा, एन प्लस टू वा पद। तो उसको मैं लिख रहा हूं अंतिम पद बराबर एन प्लस टू वा पद बराबर कितना होगा बी। प्रथम पद है ए, अंतिम पद कहें या एन प्लस टू वा पद कहें, वो कितना है बी। यदि इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर बराबर मान लेते हैं कितना है डी है, तो ये डी ही अभी अज्ञात है, डी जो है ये अज्ञात है। तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि पहले हम डी का मान ज्ञात कर लें। अब डी कैसे ज्ञात होगा, एन धन दूसरा पद एन प्लस टूवा पद बराबर कितना है बी, एन प्लस टूवा पद कितना है बी। तो बी के जगह ही अगर हम इस सूत्र का एन प्लस टूवा पद कितना होगा इस व्यंजक को लें और इस व्यंजक में समस्त मानों को रखें तो डी का मान अपने आप मिल जाएगा। सार्वांतर हम डी माने हैं। पुनः इसको अगर देखोगे n प्लस टूवा पद बराबर b, इसमें अगर मान रखें nवें पद का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें हम मान रख रहे हैं a प्लस एन माइनस वन एन प्लस टू माइनस वन, एन की जगह हम कितना लिखेंगे a प्लस एनवा पद का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन, एन की जगह कितना, हम क्योंकि एन प्लस टू पद ले रहे हैं तो एन की जगह हम कितना लिखे एन प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू
लास्ट पद कितना है ये बी। इसको जब सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा a प्लस एन प्लस टू माइनस वन एन प्लस वन बराबर इंटू डी। यहां पर एक और चीज छूट गई है, इसको मैं लिख देता हूं पहले, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये बराबर b। यहां से हमको b का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। d का मान निकालने के लिए इसको यहीं पर रखे, n प्लस वन इंटू डी बराबर a का पक्षांतर करके इधर ले गए तो ये मिल जाएगा b माइनस a, या फिर इस d का मान निकालना है तो d बराबर n प्लस वन त्रिज्या गुणा होकर नीचे आ जाएगा b माइनस a बटा n प्लस वन, ये d का मान निकल जाएगा। तो दिए गए समांतर श्रेणी का सार्वांतर d बराबर कितना होगा b माइनस a अपान n प्लस वन, ये d निकल गया। अब जब a मालूम है हमको, प्रथम पद कितना है a, ये तो दिया है, d भी मालूम चल गया। अब a और d जब दोनों मालूम पड़ जाएंगे तो अब हम इसके समांतर माध्यों के मान निकाल लेंगे। पहला समांतर माध्य a1, दूसरा समांतर माध्य a2, अतः A1, चलो पहला समांतर माध्य, पहला समांतर माध्य कितना है A1, A1 का जब मान निकालेंगे तो A1 जो है किस नंबर का पद है, ये पहला और दूसरा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो, जो पहला समांतर माध्य होगा वो दूसरे नंबर का पद होगा, है ना, जो दूसरा समांतर माध्य होगा वो तीसरे नंबर का पद होगा, जो तीसरा समांतर माध्य होगा वो चौथे नंबर का पद होगा। हम बात कर रहे हैं अभी A1 की, पहला समांतर माध्य, पहला समांतर माध्य A1, तो A1 कौन सा नंबर का पद है, दूसरा पद, दूसरे पद का सूत्र कितना हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 मीन्स 1 डी, A प्लस डी, A और D का मान रख दो, A निकल जाएगा, A1 निकल जाएगा, A का मान तो A ही है, D का मान कितना है b माइनस a बटा n धन 1, b माइनस a बटा n धन 1, इस प्रकार से पहला समांतर माध्य निकलेगा, है ना। ऐसे जब दूसरा निकालना होगा तो दूसरा समांतर माध्य इसी प्रकार, या तथा a2 जब निकालना होगा तो a2 देखोगे किस नंबर का पद है, पहला दूसरा तीसरा तीसरे नंबर का पद है, जो दूसरा समांतर माध्य है वो तीसरे नंबर का पद होगा, तो उसका सूत्र क्या होगा, तीसरा पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, अब मैं सीधे लिख रहा हूं ना, a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, थ्री माइनस वन मीन्स टू, तो a प्लस टू डी, a प्लस टू डी मान रख देते हैं, a का मान है, a को हमने a लिखा, ये टू, डी का मान रख देते हैं बी माइनस ए बटा एन धन एक, मेरे बताने का अर्थ यह है कि जब हमको किसी दो संख्याओं के बीच में एन समांतर माध्य निवेशित करने कहा जाएगा तो ऐसी स्थिति में पहले एन समांतर माध्य इस प्रकार से मान लेना है ए वन अप टू ए एन, तो पहले दो संख्याओं के बीच में उन n समांतर माध्य को जब निवेशित करेंगे तो एक समांतर श्रेणी मिलेगी, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा a और अंतिम पद होगा b। ध्यान रखना अंतिम पद कौन से नंबर का पद होगा, n प्लस टू वा पद होगा, क्योंकि हम n पद स्थापित किए हैं, समांतर माध्य लाए हैं और फर्स्ट और लास्ट वाले दो पद हैं। अगर पांच समांतर माध्य स्थापित करेंगे तो कुल पद कितने हो जाएंगे, सात होंगे। अगर आठ समांतर माध्य स्थापित करेंगे तो कुल पद कितने हो जाएंगे, दस। तो b जो होगा किस नंबर का पद होगा, n प्लस टू वा पद होगा, तो n प्लस टू वा पद बराबर b। n प्लस टू वा पद के लिए हम व्यंजक सूत्र लगा दिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी से, जब मान रखेंगे n की जगह हम n प्लस टू बस रखेंगे, a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह एन प्लस टू रख दिए, तो हमको जब मान रखकर सरल करेंगे तो डी का मान प्राप्त हो जाएगा, होगा। इस प्रकार से ए और डी जब हमको मिल जाएंगे तो किसी भी पद की वैल्यू, किसी भी पद का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला समांतर माध्य ए वन निकलेगा, ध्यान रखोगे ए वन जो होगा पहला समांतर माध्य दूसरे नंबर का पद होगा। दूसरे नंबर के पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस डी, ए और डी का मान रख दिया। ए टू दूसरे तीसरे नंबर का पद होगा, ए प्लस टू डी, तो ए टू निकल जाएगा। ऐसे ही हम चाहें तो ए थ्री, ए फोर और से लेकर ए वन तक के मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यहां हमारा उद्देश्य इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का है। जब यही चीज प्रश्न के रूप में रूपांतरित होगी तब हम उसको कैसे सरल करेंगे, तो उसके लिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसा एक प्रश्न है, 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य स्थापित कीजिए। 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य स्थापित कीजिए। जब इसको हल करना होगा तो इसी प्रकार की चीज है जो मैं पीछे बताया, है ना। पांच समांतर माध्य स्थापित करना है तो मान लेते हैं कि यदि 11 व ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य क्रमशः, 5 समांतर माध्य कौन कौन से ले लें, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर और ए फाइव है, तो ये 5 समांतर माध्य हो गए। किसके बीच में ले रहे हैं हम, 11 और ऋण 7 के बीच में। 11 और ऋण 7 के बीच में इन पांचों संख्याओं को क्रम से लिख देते हैं तो हमको मिल जाएगा 11 ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव और लास्ट में आएगा ऋण 7। तो 11 और ऋण 7 के बीच में 5 समांतर माध्य लिखा गया। टोटल कितने पद हो गए इसमें, अब 7, क्योंकि 11 और ऋण 7 दो पद हो गए और उसके बीच में हमने 5 समांतर माध्य स्थापित किया है। तो जब स्थापित किया है समांतर माध्य, मतलब ये किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, होगा। इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 11, और सातवां पद 5 समांतर माध्य, ये पहला और ये ऋण 7 किस नंबर का पद पड़ेगा, सातवां पद। सातवां पद कितना है, ऋण 7। तो यहां प्रथम पद ए बराबर हो गया 7, ठीक है। अंतिम पद कहो या सातवां पद, कितना है, ऋण 7। तो सातवां पद अगर मान रख दें इसमें, अगर देखोगे सातवां पद, सातवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस सिक्स डी, ए प्लस सेवन माइनस वन डी,
बराबर ऋणसार। इसको जब सरल करोगे तो डी का मान निकल जाएगा और ये होगा ए का मान हमको मालूम है कितना, एक त्रुटि हो गई इसको सुधार लेगा थोड़ा सा ना, यहां प्रथम पद ए बराबर ये 7 लिखा गया ना, इसको 11 है, देखो प्रथम पद कितना है 11, वो धोखे से हो गया है 11। अब ए का अगर हम मान रख दे तो 11 धन 6d बराबर ऋण 7, 6d बराबर ऋण 7, इस 11 को पक्षांतर करके इधर ले गया तो ऋण 7, धन 11 इधर आया तो ऋण 11, 6d बराबर ऋण 7 ऋण 11, ये हो जाएगा ऋण 18, या फिर d बराबर ऋण 18 बटा 6, 6 18 ऋण 3। इस प्रकार से ए और डी का मान निकाल लिए। जब ए और डी निकल जाएगा तो पिछला जो मैं एग्जांपल बताया था, ए और डी मालूम है तो ए वन निकाल लेंगे ए प्लस डी से, ए वन क्या होगा दूसरे नंबर पर, ए प्लस डी निकल जाएगा। ए टू दूसरा जो समांतर माध्य निकालोगे उसका सूत्र क्या होगा, ए प्लस टू डी क्योंकि तीसरे नंबर का पद होगा। ए थ्री चौथे नंबर का पद होगा, इसका सूत्र क्या होगा, ए प्लस थ्री डी, तो ए और डी का मान निकालोगे तो ए थ्री निकल जाएगा। ठीक है, ऐसी ए फोर निकालोगे, ठीक वैसे ए फाइव निकालोगे, ए फाइव क्या होगा, ए प्लस फाइव डी, है ना, ए का मान रखोगे और डी का मान रखोगे, तो ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट होगा, इसको करना तुम्हें। ठीक है।